सिटीजनशिप का आइडिया डिस्कस करते हैं और इस पे दो तीन इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। आपको डायरेक्टली पूछा गया है बहुत बार थिंकर्स का नाम लिख के कि उस थिंकर का आइडिया बताओ सिटीजनशिप पर। तो इस तरह से ये कुछ एक TH मार्शल करके थिंकर है, उनका आइडिया इंपॉर्टेंट है। आपको UPSC ने 2015 में पूछा था कि क्या होता है इनका आइडिया कॉन्सेप्शन। पहले सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं क्विकली कि क्या बोलते हैं सिटीजनशिप में। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन इज नॉट वन हु लिव्स इन अ नेशन स्टेट, कि जो आपके कहीं शहर में या देश में रह रहे हैं उस वो सिर्फ एक इनहैबिटेंट नहीं है, एलियंस भी रहते हैं वहाँ पे। एलियन मतलब जो आपको देश को बिलोंग नहीं करते लेकिन वो भी रह रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वो कौन है सिटीजन, किसको, हु पार्टिसिपेट्स, जो आपके गवर्नेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करता है, गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करता है। टू वे इंटरैक्शन है। कौन सी पहली इंटरैक्शन जरूरी है जाननी, राइट्स, कि उसके पास राइट्स हैं, राइट्स के डिमांड्स ऑन स्टेट, जो स्टेट पर वो क्लेम कर सकता है। एंड सेकंड एस्पेक्ट कौन सा है, ड्यूटीज, कि उसके जो स्टेट उससे डिमांड कर सकती है। ठीक है जी, हैरल्ड लास्की का नाम आपने पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल, उसमें अपने पॉलिटी में पढ़ते हैं। लास्की का मेंशन लक्ष्मीकांत भी करते हैं जगह जगह जब कॉन्स्टिट्यूशन हम कंपेयर करते हैं। लास्की क्या बोलते हैं, सेज दैट स्टेट इज नोन बाय राइट्स इट मेंटेन्स। तो लास्की की बहुत ही जबरदस्त बात है ये वाली, कि वो कह रहे हैं कि स्टेट अच्छी है या बुरी है वो किससे जान सकते हो आप, कि कितना राइट्स वो इंडिविजुअल्स को देती है। तो स्टेट इज नॉट मेयरली अ सोवरन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंटाइटल्ड टू सिटीजन एलिजियंस इन मोनार्कीज, ओनली सब्जेक्ट्स आर देयर। मोनार्कीज में सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड बाकी जगहों पर अगर आपकी अच्छी स्टेट है, अच्छा नेशन है, तो आपको इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ राइट्स। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब तो यहाँ पर सिटीजनशिप हैज़ बिन डिफाइंड एज लीगल स्टेटस ऑफ मेंबरशिप इन पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ये बात याद रखना, लीगल स्टेटस है ये सिटीजनशिप, किसमें, पॉलिटिकल कम्युनिटी में। एंड इट इज, और एक ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लाइन है कि सिटीजनशिप इज राइट्स टू हैव राइट, कि मेरे पास हक है कि मेरे पास और हक हों। ठीक है जी, राइट्स टू हैव राइट्स। तो ये आप ये कोट करोगे, इसको कोट्स में डाल के लिख सकते हो, इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट। बट बात क्या है कि आपको याद रहना चाहिए, सो दैट मींस यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट एंड इसको कहीं पे लिखकर इसको बार बार रिकॉल करने की ट्राई करनी है एंड बार बार इसको याद करने की ट्राई करनी है। ओके, राइट्स टू हैव राइट्स के बाद देखते हैं अब टी एच मार्शल का कॉन्सेप्शन क्या है। वट डज टी एच मार्शल से अबाउट सिटीजनशिप। टी एच मार्शल अथॉरिटी है, वो सिटीजनशिप को डिफाइन करते हैं एज अ स्टेटस विच इज एंजॉयड बाय अ पर्सन हु इज अ फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। कि ठीक है, ओके। एंड ये बोलते हैं इनका इंपॉर्टेंट बात क्या जाननी, कि तीन कंपोनेंट्स हैं सिटीजनशिप के। टी एच मार्शल, ये इग्नू में भी लिखा हुआ है, इग्नू से ही बोरो किया गया है। कहने सिटीजनशिप के तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला, फर्स्ट इज सिविल, सिविल सिटीजनशिप। इसमें आपको बहुत सारी फ्रीडम्स मिलती हैं, फ्रीडम्स जो कि आप कुछ भी काम करने की या फिर आपको कुछ अपनी बात कहने की फ्रीडम। ठीक है जी, इंडिविजुअल फ्रीडम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन लॉ। ओके, पहली बात होगी। दूसरी है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिटीजनशिप होती है। पहले सिविल सिटीजनशिप आ गई, दूसरी आई पॉलिटिकल, कि मैं पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, दैट आई कैन पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस। ना सिर्फ मैं लोगों को चूज कर सकता हूं कि कौन मेरा लीडर होगा, कौन मेरा नेता बनेगा, मैं खुद भी कॉन्टेस्ट कर सकता हूं। पहला सिविल, देन पॉलिटिकल, तीसरा आता है आपके पास सोशल। ये इंपॉर्टेंट है अगेन, कि मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा जीने का हकदार हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे से कुछ राइट्स मेरे से हटा दिए गए हैं और अच्छा स्टैंडर्ड मेरा नहीं हो सकता, सिर्फ एलीट्स का हो सकता है। नहीं, मैं भी बन सकता हूँ समाज में अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मालिक। तो तीन याद रखना आप ये, ठीक है। CPS, तो सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस JNU में एक देयर इज अ प्लेस। देन सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, तीन चीज़ें। एंड आगे ही सेज दैट देयर इज परमानेंट टेंशन बिटवीन सिटीजनशिप एंड कैपिटलिस्ट मार्केट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, कि सिटीजनशिप एंड कैपिटलिस्ट हमेशा आपस में कहते हैं इसके मार्शल के हिसाब से भिड़ रहे हैं। रीजन क्या है, बहुत सिंपल रीजन है। वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म तो हमेशा इनइक्वालिटी फैलाने में लगा हुआ है, क्योंकि कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं कह रहे हैं ना, अगर आपके पास इंडिविजुअल के पास टैलेंट ज़्यादा है तो वो आगे निकल जाए बाकियों से, मेरिट है तो आगे निकल जाए। लेकिन सिटीजनशिप का आइडिया क्या बोलता है, सिटीजनशिप का आइडिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली। तो कह रहे हैं कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी फैला रहा है, सिटीजनशिप क्या, इक्वालिटी फैलाने की तरफ बात करती है। तो इसीलिए थोड़ा सा कह रहे हैं टेंशन रहती है दोनों के बीच में, दोनों के आइडियाज मार्शल के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं। आगे यहाँ पे लास्ट देखते हैं
कि मार्शल की थ्योरी का क्रिटिक क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्रिटिक है मार्शल की थ्योरी का, कि ये मार्शल ने इंग्लैंड में रह के थ्योरी दी है अपनी, तो इंग्लिश एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, बाकी कहीं जगह कंपेयर करके इसने देखा नहीं कि बाकी जगह भी ऐसा हो रहा है। तो इसने CPS तो बना दिया हमारे पास कि ठीक है जी सिविल है हमारे पास राइट, हमारे पास पॉलिटिकल राइट है, सोशल राइट है, जो सिटीजनशिप है कहते, लेकिन बाकी जगह ऐसा हो रहा है कि नहीं, इंग्लिश कॉन्सेप्शन है सिर्फ काफ़ी ज़्यादा। एंड एक्सपेंशनरी एनालिसिस ऑफ सिटीजनशिप विदाउट एग्जामिनिंग सोशल प्रोसेसेस, कि क्या हुआ था, कौन सी कहीं रेवोल्यूशन आई, क्या किसी ने सोशल मूवमेंट चलाई, उसके बाद कह रहे जेंडर डिफरेंसेस क्यों रह गए फिर, कि मेल्स को पहले राइट मिल गए फीमेल्स को बाद में राइट्स मिले, एंड डिस्क्रिमिनेशन आज भी क्यों एग्जिस्ट करती है, कि सभी के पास इक्वल वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स क्यों नहीं है आज भी। तो ये क्रिटिसिज्म है कि अगर CPS आया तो हम बाकी लोग कैसे इससे अनटच्ड रह गए। एंड इट इज़ नॉट क्लियर अबाउट कॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिटीजनशिप, की एक्सपेंशन ऑफ सिटीजनशिप पे बात ही नहीं करता मार्शल, कि सिटीजनशिप क्यों फैली, रीजन क्या हुए, ठीक है जी, बेसिक अंडरलाइन कॉजेज की बात नहीं करता मार्शल, और इसलिए थ्योरी इनकम्प्लीट नजर आती है। आगे देखते हैं पार्सन्स का आइडिया भी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। Parsons, he says, कि citizen, Parsons का आइडिया बहुत ही पावरफुल आइडिया अगेन, कि सिटीजनशिप क्या है, मेजर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, कह रहा जितनी ज़्यादा आपने यूनिवर्सलिज्म एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड काम किया होगा अपनी सोसाइटी में, उतनी आपकी सोसाइटी मॉडर्न कहलाएगी। इसका मतलब यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या हुआ, इट इज अगेंस्ट पर्टिकुलरिज्म, ये Parsons का आइडिया को मैं कोट कर रहा हूँ अगेन। पार्सन बोलता है कि जैसे जैसे पार्सन कह रहे हैं कि जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होती है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, पर्टिकुलरिज्म से दूर आ जाती है। पर्टिकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरिज्म का मतलब होता है यू शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल, कि अच्छा अगर मेरा कोई भाई भतीजा है तो रूल्स रिलैक्स्ड हैं, अमीर आदमी है तो रूल्स रिलैक्स्ड हैं, अच्छा गरीब आदमी है रूल्स स्ट्रिंजेंट कर दो, इसके पास पावर नहीं है रूल्स और स्ट्रिंजेंट कर दो। तो पर्टिकुलरिस्टिक सोसाइटी ऐसी होती हैं कि अपने भाई को रख लो भर्ती कर लो, लेकिन कह रहे आजकल सोसाइटी क्या होती है यूनिवर्सलिस्टिक होती है, सिटीजन होते हैं सभी एंड सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना हमारा ड्यूटी है बीइंग अ मॉडर्न नेशन बीइंग अ मॉडर्न सोसाइटी। तो वो कह रहे हैं इसीलिए सिटीजनशिप तो मेजर है, एक तरह से पैमाने की तरह काम करता है कि जितने बेटर आपने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया होगा उतना ज्यादा आप यूनिवर्सलिस्टिक या फिर बेटर सिटीजन बना पाओगे। और इसीलिए लास्ट में देखते हैं कि सिटीजनशिप इज ट्रीटेड एज एन एस्पेक्ट ऑफ बुर्जुआसी लिबरलिज्म एंड समटाइम्स एज एन एस्पेक्ट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ही आउटकम निकलता है या फिर बुर्जुआसी लिबरलिज्म का। वो कह रहे हैं कि बुर्जुआ जो थे जितने भी कैपिटलिस्ट थे उन्होंने ज़्यादा हक डिमांड करने के लिए सिटीजनशिप का आइडिया अपनाया। देखो ये आइडिया कैसे यहाँ पे कैसे समझ सकते हो इसको आप, तो ये सिंपल सा आइडिया वगैरह जैसे 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 इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकल के पहुँच गया फ्रांस की तरफ एट्सेट्रा, बेल्जियम में पहुँचा सबसे पहले वगैरह पहुँच गया बेल्जियम वगैरह। तो अब यहाँ के लोग भी चाहते हैं इंग्लैंड आके कुछ ना कुछ काम करना, ठीक है, वो कह रहे हैं लेकिन अब इंग्लिश जो जितने कैपिटलिस्ट थे जिनकी वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो कह रहे हैं कि नहीं बाकियों को अलाउ मत करो आना प्लीज़, क्योंकि बाकी क्या है आपके सिटीजन नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए बुर्जुआ जो लिबरलिस्ट थे या बुर्जुआ कैपिटलिस्ट थे उन्होंने सिटीजनशिप को काफ़ी बढ़ावा दिया ऐसी मुहिम को। आगे देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसेंडिंग रीजनलिज्म एंड पैरोकियल नेशनलिज्म टू मेक अस ग्लोबल सिटीजन्स, कह रहे हैं आजकल क्या आ रहे हैं ग्लोबल सिटीजन्स निकल रहे हैं, डुअल सिटीजनशिप नामक कॉन्सेप्ट आजकल नए नए देखे जा रहे हैं। और इसीलिए लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यू फिनोमेना वेयर कनेक्शंस आर मोर बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, कि कन्वीनियंस बेस्ड सिटीजनशिप बढ़ गई है आजकल रादर दैन लव ऑफ द मदरलैंड। हम पेपर टू में डिस्कस करेंगे, पेपर टू में वो तो बोलते हैं कि मिडिल क्लास जो है मिडिल क्लास तो आपकी सबसे कन्वीनियंट क्लास है जो जब जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है दे जस्ट क्विट योर सिटीजनशिप एंड दे अडॉप्ट समबडी एल्सेस सिटीजनशिप समबडी एल्सेस कंट्री सिटीजनशिप। एक कंपैरिजन क्विकली देख लो स्टेट एंड सिटीजनशिप का, वो कह रहे हैं जनरली स्टेट एंड सिटीजनशिप आपस में हमेशा ही द्वंद में रहते हैं, हमेशा आपस में भिड़ रहे होते हैं, क्योंकि स्टेट चाह रही है आपसे ड्यूटीज पूरी करवाना, आप चाह रहे हो स्टेट से राइट्स एक्सट्रैक्ट करना, तो दोनों आपस में मोरालिटी को लेके एंड वेरियस प्रिंसिपल्स लॉज को लेके ओपिनियंस को लेके हमेशा प्राइवेट सेंटिमेंट्स को लेके, आप कह रहे हो आपका प्राइवेट स्पेस है, वो कह रहे नहीं हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है, तो अकॉर्डिंगली आपस में भिड़ रहे होंगे। एग्जाम्पल हमारे को दिखता है कश्मीर में एंड हमको और कहाँ दिखता है आधार के केस में एंड अ लॉट ऑफ अदर केसेस, ठीक है। तो ये अपने पास सिटीजनशिप का आइडिया था, मैं आपको क्विकली रिवाइंड करके देख रहे हैं क्या हुआ। सिटीजनशिप में हमने बात करनी है राइट्स की ड्यूटीज की एंड सिटीजनशिप पे हमने लास्ट की का आइडिया देना कि राइट्स इट मेंटेन्स, उसके हिसाब से हम स्टेट की बात करेंगे स्टेट अच्छी है कि बुरी है, उसके बाद
हम मार्शल का आइडिया कॉम करेंगे। तीन कॉम्पोनेंट है हमारे पास, सीपीएस, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड सिटीजनशिप। के बाद हम यहाँ बोलेंगे कि कैपिटलिस्ट एंड सिटीजनशिप, इसके मार्शल के हिसाब से सिटीजनशिप एंड कैपिटलिस्ट हमेशा आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई चाह रहा है इनइक्वालिटी क्रिएट करना, कोई चाह रहा है इक्वालिटी क्रिएट करना। मार्शल की थोड़ी क्रिटिसिज्म देखेंगे हम कि ये बहुत सारे इसमें वॉइड नजर आते हैं। एंड पार्सन्स बोल रहे हैं, पार्सन्स क्या बोल रहे हैं कि आप जितनी सोसाइटी मॉडर्नाइज होती जाएगी उतनी सिटीजनशिप बेटर होती जाएगी, उतनी यूनिवर्सल होती जाएगी सिटीजनशिप। एंड बुर्जुआसी लिबरलिज्म ने किस तरह से सिटीजनशिप को बढ़ावा दिया, क्योंकि आपको अपने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चाहिए थी, बाहर की पार्टीज को चाहते नहीं थे आप आके वहां इन्वेस्ट करें। ग्लोबल सिटीजनशिप का राइज हो रहा है आजकल, डुअल सिटीजनशिप का राइज हो रहा है आजकल, कन्वीनियंस बेस्ड सिटीजनशिप आ रही है एंड स्टेट एंड सिटीजनशिप आपस में हमेशा भिड़ते नजर आते हैं। एक बोल रहा है मोरालिटी को, प्राइवेट सेंटीमेंट्स को लेके, अदरवाइज आपको दिखता है कि एक ड्यूटीज डिमांड कर रहा है, एक राइट्स डिमांड कर रहा है। एंड आप वो वाली बात प्लीज कहीं जो हमने बीच में लिखी थी वो भूलना मत, राइट्स टू हैव राइट्स वाली बात। सिटीजनशिप क्या है आपका? राइट लेने का राइट। चलो ठीक है जी, सिटीजनशिप का हमने आइडिया कंप्लीट किया, बहुत बार पेपर में यूपीएससी पूछ चुका है, इसको नोट करके रखना, इसको रिकॉल, इसको बार बार से आप बार बार पढ़ते रहना, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है अपना नेशन का आइडिया, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है जी, थैंक यू।